नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खरबूजे के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। आपके मन में खरबूजे को लेकर उठने वाले सभी सवाल और गलतफहमी को इसी वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वोमेन खरबूजे का सेवन कर सकती हैं या नहीं, क्या शुगर के पेशेंट खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि खरबूजे का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, तो किसी ने पूछा है कि क्या खरबूजा खाने से हड्डियाँ मजबूत होता है। ऐसे ही तमाम सवाल आप सब की तरफ से लगातार खरबूजे को लेकर आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक लोगों का एक एक सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि खरबूजे को लेकर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लगभग आप सभी के सवालों का आंसर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खरबूजा का नाम सुनते ही सुनहरे रंग के फल की याद आ जाती है जो स्वादिष्ट होने के साथ सुगंधित भी होता है। खरबूजा के पोषक तत्व की बात की जाए तो यह फल कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर आदि से भरपूर होता है। इसके अलावा खरबूजा में सोडियम, विटामिन ए, फोलिक एसिड, नियासिन और विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है। खरबूजा में खनिज पदार्थ भी अच्छी मात्रा में होते हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैरोटीनाइड शामिल हैं। यह औषधि फल वसा और कोलेस्ट्रॉल रहित या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। खरबूजा एक पौष्टिक फल है जो गर्मी के मौसम में लगभग सभी लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। खरबूजा को इंग्लिश में मस्क मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे मस्क मिलोन भी बोलते हैं। खरबूजा को कैंटालूप या कस्तूरी मेल यानी मेलन की एक प्रजाति के नाम से जाना जाता है, लेकिन खरबूजे का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। खरबूजा का वैज्ञानिक नाम कुकमिस मेलोवर है जिसका उपयोग अक्सर लोग गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। औषधि गुणों से भरपूर खरबूजा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कई प्रकार के पोषक तत्वों की उच्च मात्रा होने के साथ ही खरबूजा की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में शीतलता प्राप्त करने के लिए खरबूजे का सेवन किया जाता है। यह फल कैलोरी में बहुत कम होता है। लगभग 100 ग्राम खरबूजा में 34 कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें वसा, फैट भी बहुत ही कम मात्रा में होता है जो कि इसे एक शानदार आहार ही नहीं बल्कि एक शानदार औषधि भी बनाता है। इसमें पोषक तत्व तो खनिज उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मस्क मेलन। खरबूजे के फायदे हैं वजन घटाने में सहायक। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में आपको बार बार प्यास लगती है जिसके कारण आप अन्य खाद्य पदार्थ या पर्याप्त भोजन नहीं ले पाते जिससे आपके शरीर में पोषक तत्वों और विटामिन्स की कमी होने लगती है। इसके लिए खरबूजा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है क्योंकि यह न सिर्फ आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है बल्कि लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा खरबूजा वजन घटाने में सहायक होता है क्योंकि इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसके अलावा यह फाइबर का अच्छा स्रोत है जिसके कारण आपकी पाचन क्रिया धीमी होती है और आपको अधिक देर तक पेट भरे रहने का अनुभव कराता है। इसके अलावा खरबूजा के फायदे इसमें मौजूद पोटेशियम के कारण भी होते हैं। यदि आप अपने वजन को कम करने वाले आहार को ढूंढ रहे हैं तो खरबूजा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खरबूजा के फायदे डायबिटीज, शुगर के लिए। कई अध्ययनों से पता चला है कि खरबूजा का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में प्रभावी है। ऐसा भी माना जाता है कि खरबूजे के छिलके रक्त में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में प्रभावी होते हैं जिससे रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोका जा सकता है। इस तरह से मधुमेह के लक्षण को कम करने में खरबूजा अहम योगदान देता है। इसके अलावा ऑक्सीकाइन नाम का एक सक्रिय घटक खरबूजा में मौजूद रहता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यह भी हमारे शरीर में रक्त शर्करा के प्रभाव में सहायक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुगर के मरीजी भी खरबूजा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बढ़े हुए शुगर को भी नियंत्रित कर सकते हैं।
खरबूजा के गुड़ बचाए कैंसर से। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन आप कैंसर के लक्षणों और प्रभावों को कम करने के लिए खरबूजे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि खरबूजा के गुड़ कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि खरबूजा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा यह बीटा कैरोटीन में भी उच्च होता है। ये सभी घटक कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में प्रभावी होते हैं। इस तरह से आप कैंसर की संभावना या लक्षण को कम करने या नियंत्रित करने के लिए खरबूजे का सेवन कर सकते हैं। खरबूजे के लाभ हृदय स्वास्थ्य के लिए। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए खरबूजे का कोई जवाब नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरबूजा में बहुत से पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है, इसी कारण खरबूजा के लाभ हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा खरबूजा में एंटीकोगुलेंट या कह सकते हैं कि थक्का रोधी गुड़ भी मौजूद होते हैं। खरबूजा का यह गुड़ इसमें मौजूद एडिनोसिन की मौजूदगी के कारण होता है, जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। खरबूजा में पोटेशियम भी होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और रक्त वाहिकाओं को आराम दिलाता है। इस तरह से आप अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए खरबूजा का उपयोग जरूर करें। तनाव दूर करने के लिए खाएं खरबूजा। खरबूजा में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होती है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखने और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा पोटेशियम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भी सहायक होता है, जिससे हमें मानसिक शांति और आराम और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस तरह से अगर आप तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो खरबूजा का सेवन करें। साथ ही यह ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। खरबूजा खाने के फायदे हैं आँखों के लिए। क्योंकि खरबूजा में विटामिन ए और कैरोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो उम्र बढ़ने पर मोतियाबिंद रोकने और दृष्टि हानि उपचार करने में सहायक होते हैं। अतः आँखों के स्वस्थ लाभ के लिए खरबूज का सेवन जरूर करें। खरबूज खाने के फायदे हैं गर्भावस्था में। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। खरबूजा में फोलेट की उच्च मात्रा होती है, जो अतिरिक्त सोडियम को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं द्वारा खरबूजा का सेवन करने पर यह महिलाओं के शरीर में पानी की कमी और अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। यह महिलाओं में नए कोशिकाओं के उत्पादन और विकास को बढ़ावा देता है। गर्भावस्था के दौरान खरबूजे का सेवन न केवल महिला बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के विकास और तंत्रिका ट्यूब में विकारों को रोकने में सहायक होता है। खरबूजा के लाभ हड्डियों के लिए। खरबूजा हड्डियों को मजबूत बनाने में और दांतों को मजबूत करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी मौजूद होता है। खरबूजा करे पथरी का इलाज। जी हाँ दोस्तों, खरबूजा के अर्क में ऑक्सीकाइन नामक एक घटक होता है, जो गुर्दे के विकारों और पथरी को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही खरबूज में मौजूद पानी की अधिक मात्रा होने के कारण यह गुर्दे की सफाई करने में प्रभावी माना जाता है। इस तरह से आप पथरी का इलाज करने के लिए खरबूजा का उपयोग कर सकते हैं। खरबूजा बढ़ाए इम्यूनिटी पावर को। इम्यूनिटी पावर अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी पावर जितना ज़्यादा, रोग होने का खतरा उतना ही कम। खरबूजा में विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है, जो आपकी रोग प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। खरबूजा के अन्य पोषक तत्व तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स को उत्तेजित करते हैं और उनकी संख्या बढ़ाते हैं, जो आपको वायरस और संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाते हैं। अच्छा, एक बात और, यह सफ़ेद रक्त कोशिका यानी WBC के बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे। WBC सफ़ेद खून को बोला जाता है। हमारे ख्याल से आप सभी अभी तक लाल खून के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सफ़ेद खून यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप भी WBC के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। खरबूजा का अगला फायदा नशेड़ियों के लिए एक खुशखबरी की बात है। वैसे एक बात आपको बता दें कि मुझे नशा और नशेड़ियों से सख्त नफरत है। खैर छोड़िए, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं।
नियमित रूप से खरबूजे का सेवन आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, क्योंकि यह शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करने में प्रभावी होता है। इसका सेवन करने से फेफड़ों को फिर से जीवंत करने में मदद मिलती है। साथ ही यह नशा धूम्रपान के कारण होने वाले फेफड़ों की क्षति को कम करने में सहायक होता है, इसलिए धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए खरबूजे का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। खरबूजा का इस्तेमाल रक्तचाप के लिए फायदेमंद। यदि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो खरबूजा का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खरबूज में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके अलावा खरबूजा त्वचा के निखार के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अभी बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, पर मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही।